ये देखिए हमारे खूबसूरत खूबसूरत फूल है ना सुंदर। आप भी उगाइए, ढेर सारे पूरी जानकारी हम दे रहे हैं इसके बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे ढेर सारी बात गार्डनिंग के विषय में, क्योंकि बहुत सही टाइम है अभी गार्डनिंग का। इस टाइम पे आप बहुत अच्छे से सारी सब्जियाँ, इस तरह से फूल जो चाहें आप उगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप खूबसूरत फूल देख रहे हैं, दिखाओ इनको दोस्तों, जो ये आप खूबसूरत फूल देख रहे हैं आप बहुत आसानी से इसको उगा सकते हैं। आज इस विषय पर भी मैं बात करूंगी और बात करूंगी ढेर सारी गार्डनिंग की, कि हम क्या क्या वेजिटेबल इस टाइम पे उगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी उठिए और ढेर सारे इस तरह से फ्री में उगाइए। इस तरह से एक कैसे उगाएंगे हम आपको बताएंगे। इतने खूबसूरत पौधे, इतने खूबसूरत फूल हम किस तरह से उगाएंगे और सब्जियां हम किस तरह से उगाएंगे हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे गार्डन के टूर पर, और इसके लिए ढेर सारी जानकारी के लिए। दोस्तों राम राम। एक सुंदर सी सुबह, हल्की सी ठंडी ठंडी मैं अपने बोगनवेलिया के साथ आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। कितने सुंदर खिले हुए हैं। अब ये जो है ना, थोड़ा झड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ये करीब 2 महीने से ऊपर इसको लगे हो गया। तो दोस्तों ये झड़ता जाएगा और ऊपर से ये और ये फूल बनते जाएंगे। ये नीचे जो है ना, इसके ये थोड़ा सा नीचे गिरते जाएंगे और जो है इनमें और फूल बनते जाएंगे। रुकिए मैं अच्छे से दिखाती। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के फूल पाने के लिए, या इस तरह से आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं इन फूलों को, वो भी फ्री में, वो किस तरह से तैयार कर सकते हैं। चूंकि ये महंगे मिलते हैं पौधे, लेकिन अगर आप खुद तैयार करते हैं तो आपको फ्री में मिलेंगे। तो आप इसको किस तरह से तैयार कर, रुकिएगा ना, अरे ये देखिए, इसको ना दिखाते नहीं बन रहा था एक्चुअली। ये बहुत भजन भजन है दोस्तों, मतलब मिट्टियां भरी हुई हैं। मैं यहाँ आके आपको दिखाती हूँ इसकी खूबसूरती को, जो हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है। और आप इसको मार्केट में अगर पूछने जाएंगे ना, तो ये कम से कम 10 से 15 हज़ार या उससे भी ऊपर इसका आपको मांगें, क्योंकि इतने बड़े हैं वो भी खूब महंगे मिलते हैं। तो ये तो देखिए इसका वो हो गया है, थोड़े झड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कई कलर आते हैं, जब कई कलर एक साथ आप रखेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। इस ये है बोगनवेलिया ही, इसमें कांटे बहुत कम पाए जाते हैं। आप देखिए बिल्कुल इनमें कांटे नहीं हैं, नाम के कांटे रहते हैं। वैसे भी हमारे वैज्ञानिकों ने इनको बहुत, इनमें तरक्की करी है और बहुत अच्छा इनमें प्रोग्रेस भी दिखता है, क्योंकि ये झाड़ी नुमा पौधा है। इसमें पहले बहुत सारे कांटे पाए जाते थे, लेकिन आजकल इनमें कांटे नहीं रहते हैं, कम बहुत नाम मात्र के कांटे रहते हैं। नहीं तो इनको छूना मुश्किल होता था, बहुत ही लोग इनको घरों में लगाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये कांटे वाला पौधा माना जाता था। लेकिन अब इनके कांटों को कम कर दिया गया है। देखे ना, ये भी 21 ज्वेल्स वैरायटी है, और दोस्तों इसको भी हमने कलम से उगाया है। तो दोस्तों कलम से किस तरह से आप उगा सकते हैं बहुत ही आसानी से इस टाइम पे इन महंगे पौधों को, देखिए ऐसे गुलदस्ता बना हुआ है, बस ये खिलने वाला है और मैं आपको इसको दिखा रही ना। कहाँ गया रे, ये देखिए, मतलब छोटे से कलम से इसको बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं इन महंगे पौधों को, और अपने गार्डन में इनको रख सकते हैं और ये आपके गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए 21 ज्वेल्स वैरायटी, ये भी 21 ज्वेल्स वैरायटी, और ये खिलने के लिए तैयार हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत फूल, बहुत ही प्यारे रहते हैं, बंचेस में खिलते हैं। देखिए ये भी खिलने को तैयार है, मतलब खिल रहा है। अभी ये पूरी तरह से नहीं खिल पाया है, लेकिन जब ये खिलेगा तो गुलदस्ते की तरह दिखेगा। और कलर तो देखिए कितना प्यारा, देखा आपने। तो दोस्तों इसी तरह से आप
आप चाहें तो इनको भी कर सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। इनको भी आप बोनजाय बना सकते हैं इनकी कटाई छटाई करके, और ये भी मतलब कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी खासियत ये है, जैसे ये फूलों के कारण झुक जाते हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, लेकिन ये झुकते नहीं हैं। इनकी डाली जो है ना मतलब मजबूत होती है, और ये बोनजाय के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं, खासकर गमलों के लिए। तो दोस्तों ये भी हमारा खिलने के लिए तैयार है, अभी शुरुआत हो रही है। ये देखिए ये भी हमारा 21 ज्वेल्स वैरायटी है, पिंक कलर का। और मैं थोड़ा बैठ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो है, आप इसको कई बार देख चुके हैं, ये गुलदस्ता बन जाता है, बहुत ही खूबसूरत खिलता है। लेकिन ये करीब 6 महीने से कंटिन्यू फूल दे रहा था, तो इसकी मैंने कर दी थी प्रूनिंग, ताकि थोड़ी सी इसकी जो इसका तना जो है वो मोटा हो और ये थोड़ा घना भी हो। तो इस तरह से अभी फिर से देखिए, अभी मैंने इसको शायद 10 दिन पहले ही इसकी प्रूनिंग करी है, लेकिन ये फिर देखिए फूल देने के लिए तैयार है। ये देखिए, तो आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसको हम किस तरह से बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार कर सकते हैं। इधर भी दोस्तों हमारी कलम से ही हम इसको तैयार कर रहे हैं। देखिए ये एक में तो शॉक लग गया था, जो गिर गया था छत से, पहली बार इसमें गिर गया था ना, तो उसको शॉक लग गया। मतलब अगर इन पौधों में शौक लगता है तो दोस्तों ये फिर उतना ही टाइम ले लेते हैं जितना आप नए पौधे तैयार करेंगे, इतना ज़्यादा इनमें शौक का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर में तैयार करिए खूबसूरत खूबसूरत बोगनवेलिया, और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए, आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों मैं वेजिटेबल उगाती हूँ, लेकिन इस तरह से थोड़े पौधे भी उगाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और दोस्तों इसी खुशी के लिए मैं इनमें इतनी मेहनत करती हूँ, जो मेरे मन को प्रसन्न कर देते हैं दोस्तों, बिना किसी और चीज़ों को, ना कोई धन दौलत किसी चीज़ की चाह के बगैर आप इस तरह से खुश हो जाएंगे। हालांकि सब है ईश्वर का दिया हुआ, लेकिन ये जो मेरा शौक है मुझे मुझे जिंदा रखता है। तो कितना सुंदर है, तो आइए चलते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने तो हजारों कलम तैयार करी है जो प्रोसेस में है, लेकिन मैं रुकती नहीं हूँ, मेरा अभी भी चल रहा है, मतलब काम चल रहा है, इस पर काम चल रहा है, और मैं और भी तैयार कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी ज़रूरत के, कोई और चीज़ नहीं चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बारिश के टाइम में अभी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए बस एक सुंदर सी कलम, बस। मतलब कि ऐसी कलम लीजिए कि जो आपको बहुत दिन तक उसका इंतज़ार ना करना पड़े, और वो मतलब कि लगभग 2 साल की दिखे। नहीं तो बहुत पतला अगर आप लेते हैं तो उसको बहुत टाइम तक आपको पोसना पड़ेगा। फूल तो आपको 3 महीना 4 महीना में ही वो आ जाएगा, लेकिन उसका जो ये तना है बहुत पतला रहेगा, वो बहुत कमज़ोर सा रहेगा। इसलिए मेरा कहना है कि थोड़ा सा इसमें से ऐसे थोड़ा सा इतने इतने मोटे तने लगभग लीजिए। बाकी ये हर तरह के छोटे मोटे पतले जैसा भी आप लेंगे, इस टाइम में ये उग जाता है बिना किसी नाजो नखरा के। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कलम की, और हम आपको उगा कर बताएंगे कि किस तरह से हमने ये खूबसूरत खूबसूरत पौधे तैयार किए। तो देखना ज़रूर, फिर मत कहना कि बताया नहीं, है कि नहीं, बस अपने अपने पास रखती है सुंदर सुंदर और हमको बताती नहीं है। तो आइए चलते हैं, हम आपको तो दोस्तों हमें इस तरह से ले लेनी है कलम। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप किस तरह से एक मैच्योर पौधा तैयार कर सकते हैं कलम से। अगर आप बहुत पतली डाल लेंगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा बड़ा होने में। तो इस तरह से इसको ले लिए और ये नीचे हल्का से इसको छील लिए, कटिंग कर लिए, जैसी भी आपको कटिंग लगानी है, जिस भी कलर का लगाना है। मैं 21 ज्वेल्स का बता रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसके फूल, तो आपने देखा है कि कितने खूबसूरत होते हैं, बंचेस में खिलते हैं और बहुत दिन तक रहते हैं।
तो इसको आपको क्या करना है, ये है बारिश का पानी। बारिश के पानी में बहुत सारे गुण होते हैं आपके पौधे को, आपकी पौधे की ग्रोथ के लिए, इसका जड़ निकलने के लिए। आपको किसी भी तरह की कोई फंगिसाइड की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी भी तरह के रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत है, क्योंकि इस पानी में सारे गुण पाए जाते हैं और बहुत जल्दी आपका पौधा उगेगा और ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों, इस टाइम पे आप ज़रूर उगाएं अपनी पसंद का कोई भी पौधा। तो दोस्तों, किसी दिन बहुत अच्छा मौसम रहता है और किसी दिन धूप रहती है, तो इसको आपको सेमी सेड जगह में रखना है, क्योंकि आज जैसे मौसम बहुत अच्छा है और फिर किसी दिन जो है इतनी तेज़ धूप रहती है, तो इसके मरने का दो सबसे बड़ा कारण होता है। एक होता है इसकी जो ये डालें, जो स्टेम है, ये सूख जाता है। दूसरा जो है, इसकी जड़ों में ओवर वाटरिंग यानी ज़्यादा पानी से ये मरता है। लेकिन बारिश में एक ऐसा मतलब गुण होता है कि ओवर वाटरिंग से आपका पौधा नहीं मरेगा। अगर आपके गमले में या जहाँ भी इसको उगाते हैं वहाँ पानी रुकना नहीं चाहिए, बस ये मॉइस्ट रहनी चाहिए आपकी मिट्टी। ज़्यादा गीली भी होती है तो ये सूखी रहे। देखिए, बारिश हो रहा लेकिन मिट्टी हमारी गीली है। तो दोस्तों, मैं इसी गमले में इसको लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं मिट्टी तैयार नहीं करूंगी। आप इसको किसी भी तरह की मिट्टी में उगा सकते हैं, बस होना ये चाहिए कि नीचे तो इसके गमले में थोड़े से थर्माकोल डाल दीजिए, थोड़ी सी बजरी डाल दीजिए, और इसके बाद आप मिट्टी, बालू और साथ में थोड़ी सी भूसी, मतलब राइस हस्क, ये सारी चीज़ों को आप मिला दीजिए। तो और थोड़ी खाद, थोड़ी राख, ये सारी चीज़ें आप इनमें मिलाकर इसको उगा दीजिए। बहुत आसानी से उगने वाला पौधा। इस टाइम तो खासकर समझिए कि ये पत्तियां तो मैं समझती हूँ सूखेंगी नहीं, हरी ही रहेंगी और ये उगना शुरू हो जाएगा। मैं साइड में रख दूँ, क्योंकि चंदू जो है ये नुकसान करता है दोस्तों, चंदू खींच देता है इस कलम को जो मैं तैयार कर रही हूँ। दोस्तों, एक बहुत अच्छी ट्रिक और बहुत ही मतलब कि यूजफुल, आप कभी एक कलम ना उगाएं, जब भी उगाएं 2, 4, 10 उगाएं। हालांकि मेरे पास बहुत है इसलिए मैं 10 अभी तो नहीं उगा रही, हालांकि उगाती रोज हूँ मैं। तो मैं एक एक कलम, और इसमें से कटिंग से निकला है तो 2 को मैं उगा रही हूँ। दोस्तों, बारिश का पानी ज़रूर कलेक्ट करके रखें। रोज़ ही लगभग मतलब एक दिन दो दिन में बारिश हो रही है तो उसको आप कलेक्ट करके रखें, और इस तरह से आप उसको पौधे अपने इसको कलम को 4-8 घंटा या रात भर के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। जैसे आप शाम को कलम लेकर आए तो इसको पानी में छोड़ दीजिए। तो मैं एलोवेरा लगाती हूँ इसकी जड़ों में, लेकिन इस टाइम पे दोस्तों किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना तो फंगिसाइड की। दोस्तों, आप देखिएगा कि ओवर वाटरिंग से आपके पौधों में फंगस नहीं लगेंगे, ना ही वो मरेगा। ये होता है गर्मी में, जब ओवर वाटरिंग होती है तब आपके पौधे जो है इसमें मरते हैं और उन ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं, फंगस लगते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको आप उगा सकते हैं, वो भी ढेर सारे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, सारी कलम ही तैयार हो रही है। देखिए, ये सब ये कलम तैयार हो रही हैं। ये हमारा जो है ग्राफ्टेड है कई कलर में, ये सारी हमारी कलम तैयार हो रही है। देखिए, ये भी कलम से हमने तैयार किया है। दोस्तों, इस टाइम पे आप अगर बाहर रोड साइड निकलेंगे ना, तो आपको कटिंग से भी इस ये ढेर सारे मिल जाएंगे, लोग काट कर फेंके रहते हैं। ये देखिए, ये भी सब कटिंग से हम तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिनके घरों में रहता है, बड़े बड़े हो जाते हैं इस टाइम पे, उनको वो काट काट कर फेंकते हैं, तो वहाँ से आप इनको ला सकते हैं और बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। 4-5 दिन में ही इस तरह से दोस्तों इसमें पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी, और इसकी पत्तियां जैसी थोड़ी सी बढ़ेंगी इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। यानी दोस्तों, कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने में इसमें आपके फूल आने शुरू हो जाएंगे। और बस इसकी इतनी ही देखभाल है, ओवर वाटरिंग ना हो। अगर आपको अंडे के छिलके मिलते हैं तो इनके गमलों में डाल दीजिए, ये बहुत ही अच्छे होते हैं इन पौधों के लिए। पोटास वगैरह भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बारिश के पानी में अभी अब कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें खुद ही बहुत सारा बारिश के पानी में ऐसे तत्व होते हैं जो पौधों को बहुत ही सुंदर ग्रोथ देते हैं। ये देखिए, छोटी छोटी कलम से हमने उगाया है, ये देखिए, और कितने सुंदर ये निकल रहे हैं। थोड़े से बड़े होंगे तो इनको प्रून कर दूंगी। ये भी देखिए, कलम से हमने 21 ज्वेल्स ही उगाया है,
तो इस तरह से हमने ढेर सारे कलम से उगाए हैं दोस्तों पौधे, तरह तरह के, इतने खूबसूरत और इतने कलर में आते हैं, आप जिस तरह का भी चाहें बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसको 2-3 महीने के पहले कहीं और शिफ्ट मत करिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत कमज़ोर रहती हैं, मतलब कि जब ये थोड़ा मैच्योर हो जाए तभी आप इसको जहाँ कहीं भी शिफ्ट करना चाहें तो शिफ्ट करें, नहीं तो पौधा शॉक में जाता है। अगर नहीं भी मरता तो शॉक में जाता है, तो फिर उतना ही टाइम ले लेता है जितना आपकी एक कलम तैयार होने में लेती है। दोस्तों ये भी 21 ज्वेल्स वैरायटी है, ये पीले कलर का है, बहुत ही यूनिक कलर है, मुझे मिल गया कहीं से, तो मैं इसको 3 कलम लेकर आई और मज़े की बात दोस्तों तीनों चल पड़ी। ये करीब 10-12 दिन पहले हमने उगाया है, तो ये जो चंदू है ना, ये चंदू इनको उखाड़ दिया था, ये वाले को नहीं उखाड़ा था, तो देखिए इसमें कितने अच्छे पत्ते आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे इसके पत्ते थोड़े से बढ़ेंगे इनमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको जितने कलर पसंद हो, जो कलर चाहिए, इसमें 4-5 कलर मैंने अभी तक देखे हैं जो कि मेरे पास हैं, सिर्फ मेरे पास व्हाइट नहीं है, 21 ज्वेल्स में मेरे पास व्हाइट नहीं है। तो दोस्तों इसको इस तरह से देखिए, ये बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है और ये आराम से उग जाता है। बस थोड़ा सा इसकी जो ये देखिए ये जो कलम है थोड़ी सी मोटी लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 2-3 साल इनकी ग्रोथ होने में लग जाए। दोस्तों अब आइए थोड़ा सा देखते हैं अपना हम गार्डन वेजिटेबल का, जो कि मैं सब्जियां ही उगाती हूँ लेकिन थोड़े थोड़े फूल भी उगाती हूँ। देखिए लाल भाजी, दोस्तों लाल भाजी एवरग्रीन है, ज़रूर उगाएं, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और फिर ऑर्गेनिक की तो बात ही क्या कहना। भिंडी अगर नहीं उगाए हैं तो अभी उठिए और भिंडी के दानों को डाल दीजिए। दोस्तों ये हरी वाली भिंडी है, कल हमने उगाई है लाल भिंडी। लाल भिंडी में ढेर सारे पोषक तत्व तो होते हैं, हरी में भी होते हैं, लेकिन लाल का तो बात ही कुछ अलग है, हार्ट किडनी शुगर लीवर कैंसर बहुत सारी चीज़ों में वो काम करता है। और अगर आपको कुछ भी नहीं है, ईश्वर करे ना हो, तो भी आप उसको खाकर बहुत स्वस्थ रहेंगे, तो ज़रूर उगाएं। तो दोस्तों आइए चलते हैं छत पर और थोड़ा सा देखते हैं अपनी छत की वेजिटेबल। दोस्तों आज मैं वेजिटेबल कुछ नहीं लूँगी, मेरे को कहीं जाना है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, बस आपसे मुलाकात करने की इच्छा थी, और मेरा रोज का ही रहता है आपसे मिलना। ये है पालक, पालक को भी दोस्तों ज़रूर लगाएं, ऊंची जगह पे लगाएं, और आपका जो भी आपका गमले में लगाएं, मिट्टी में मतलब ज़मीन में इस टाइम पे पालक नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश में फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसी जगह पे लगाएं जो मिट्टी आपकी वेल ड्रेन हो और उसमें पानी ना रुकता हो, तो बहुत अच्छा होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है पालक होने में। देखिए ना आप इसकी खूबसूरती देखिए। दोस्तों हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर, थोड़ी सी आपको कराएंगे हम सैर। इसमें हमने उगाई है लाल भिंडी, टमाटर, जिमीकंद, ये है दोस्तों हमारी तरफ इसको बरबट्टी बोलते हैं आपकी तरफ क्या बोलते हैं पता नहीं। देखिए कैसा पौधा मेरे को दिव्या लेकर आई थी, कैसे एकदम मरे मरे से दिख रहे थे ये इसके यार नाम कांदा, और अभी कितने सुंदर दिख रहे हैं। इसी में एक कद्दू का पौधा उगा है, उसको मैं उखाड़ूंगी नहीं, उखाड़ूंगी मतलब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो उसको मैं कहीं रोप दूंगी, तो एक पौधा हो जाएगा, मैं इसमें भी रोप सकती हूँ। इसमें मैंने ककड़ी लगाई हुई है और कद्दू वगैरह भी इसमें लगा हुआ है, वो हमारी कर्मता है। आप देखिए और आप क्या क्या उगा सकते हैं, जितनी सब्जियां मैं दिखा रही हूं, हालांकि मैंने इनको पहले उगा लिया था लेकिन आप अभी भी उगा सकते हैं। अरबी है, चौलाई है, खट्टा भाजी, मिर्ची, कांदा भाजी, बैगन, लौकी, कद्दू, सेम, तो इन सारी चीज़ों को आप अभी भी उगा सकते हैं। आज मेरा मकसद था आपको बोगनवेलिया के बारे में बताने का, लेकिन मैं थोड़ा सा गार्डन का व्यू भी आपको दे रही हूँ और साथ में मैं भी गार्डन का व्यू ले रही हूँ, क्योंकि दोस्तों यही टाइम रहता है मुझे अपने पौधों से मिलने का, आपको भी मिलवाती हूँ और साथ में मैं भी अपने खूबसूरत हरे भरे पौधों से थोड़ी बातें करती हूँ, थोड़ी मुलाकात करती हूँ,
क्योंकि फिर मैं आप भी व्यस्त हो जाते हो, मैं भी व्यस्त हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अभी ही मिल लूँ अपने पौधों से। ये देखिए हमारी ये बॉन्जाय दोस्तों, अगर इसमें आप ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो इसकी जो फलियां हैं उनको तोड़ते रहिए, क्योंकि बीज कितना क्या करेंगे आप, कितना ही बीज की ज़रूरत होगी, है नहीं। अगर मान लीजिए आपको अपने दोस्तों को देना भी है तो वो फिर कहीं ना कहीं छुप के इसमें पक ही जाती है, तो आपकी नज़र में जो सीड्स आए उनको हटा दीजिए इनकी फलियों को, नहीं तो इनमें फूल कम आते हैं। अगर आपको ज़्यादा फूल चाहिए, देखिए कितनी खूबसूरत हमारी टोपियारी, देखा आपने, और कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, और हमारे एनिमल्स जो है ये परचुलाका में दबे जा रहे हैं क्योंकि परचुलाका बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों ये हैं हमारे अडेनियम, मतलब ऐसा है कि मेरे को निकलने का भी जगह नहीं रहता, ये बोंजाय है इसका, ऐसा धक्का मार मार के हमको निकलना पड़ता है। ये अडेनियम हमने उगाए हैं, हजारों 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 उगाए हैं, और ये सब हमारे बहुत ही खूबसूरत, मेरे मन, मेरे दिल, मेरे हृदय के करीब ये सारे पौधे जो मुझे बहुत ही मन की शांति देते हैं और इनके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। वेजिटेबल तो मैं उगाती ही हूँ, थोड़ा बहुत इन पौधों को भी उगाती हूँ जो मेरे गार्डन की शान है और गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। देखिए कितने दोस्तों, इनको बहुत करीने से मैंने जमाया हुआ था उधर, लेकिन हवा के कारण मेरे को सारे पौधों को उतार कर इस तरह से रखना पड़ा। मैंने कहा करीने से बाद में जमा लूँगी, अभी इन पौधों का सुरक्षित रहना ज़रूरी है कि नहीं, बताइए, मेरी सोच सही है ना। तो आप थोड़ा इनको अस्त व्यस्त देख लीजिए, कारण ये है कि अभी आंधी पानी झंझड़ ये सारे कुछ आते हैं बारिश में, तो इससे हमारे पौधे सब लुढ़क लुढ़क कर टूट जाएंगे, गमले हमारे टूट जाएंगे, तो इसलिए हम इसको इस तरह से सुरक्षित रखने के लिए सबको नीचे कर दिए हैं। देखिए इसमें करेला भी उग रहा है, एक ये भी, तो इसको हटा देती हूँ, पता नहीं क्या है। दोस्तों मैं करेले को भी हटा दूंगी, कारण ये है कि मेरा ये कीमती अडेनियम है तो इसमें मैं कुछ नहीं होने दूंगी, घास वगैरह भी, एक अडेनियम है दोस्तों, अडेनियम के सीड से हमने उगाए हैं ढेर सारे अडेनियम। तो जो भी आप एक पौधा पोई का उगा लीजिए, पोई आप अगर उगाते हैं तो आपको ढेर सारी पोई की सब्जी मिलती रहेगी। जब आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा सब्जी, तब आप अपने घर में पोई खा सकते हैं, खीरा, ककड़ी, कुंदरू, मिर्ची। देखिए वो ककड़ी हमारी कितनी बढ़िया फली है उधर, अब मैं आज तो नहीं तोड़ पाऊंगी क्योंकि आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप बोलते होंगे रोज़ जल्दी में रहती है, लेकिन क्या करूँ, अब है जीवन है भाग दौड़ का। ये देखिए हमारे कद्दू कितने सुंदर हो रहे हैं, देखा आपने। तो दोस्तों इसमें कद्दू, लौकी, बीन्स और ककड़ी, खीरा, सेम, देखिए ना बहुत सारी चीज़ें इसमें एक साथ उगी हैं, लेकिन अलग अलग किनारे किनारे, एक किनारे जैसे खीरा है, इसको हम यहाँ से ऊपर चढ़ा देंगे, वहाँ जाके फलेगा। इन सबको भी मैं यहाँ ऐसे जगह दे दूँगी, ये सब फलेगा। हालांकि ये ऐसा हो गया है दोस्तों, आप देखिए पूरा जो मतलब चढ़ने का है ना, उसमें जो फैलने का पूरा, उसमें पूरा भरते जा रहा है, एक दूसरे में लदते जा रहे हैं। ये हमारा कुंदरू है, कुंदरू भी अच्छा मतलब अपना फर्ज निभाया, पूरे उसमें जो है फैल गया। ये हमारी मिर्चियां हैं, बैगन हमारे फ्रूटिंग करना शुरू कर दिए दोस्तों। जब लास्ट लास्ट में बहुत धूप हुआ ना, सॉरी, उस टाइम पे पौधों को थोड़ी सी दिक्कत हुई। इसमें से कल हमने भाजियां ले ली, लेकिन फिर भी थोड़ी भाजियां और निकल रही हैं, दो चार दिन में और बड़ी होंगी, इनको भी ले लूंगी मैं, फिर हमारा एकदम से ये फ्री हो जाएगा। हमें भाजी वाजी बोने की थोड़ी कम ही ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें मिल ही जाती हैं भाजियां। हाँ, लाल भाजी थोड़ा मैं ऐसे बो देती हूँ, देखिए। तो दोस्तों एक दो दिन में इसको मैं तोड़ लूँगी, एक कंटेनर में मैं बहुत जल्दी और उगाने वाली हूँ भाजी। कितना प्यारा कलर है, आप देखिए ना इस, मतलब देखिए आप देखिए, हालांकि अभी इसमें डबल पेटल वाला नहीं उगा है, लेकिन डबल पेटल में फूल आ रहे हैं जो मुझे दिख रहे हैं, देखिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत कलर है, कितना चटक। तो दोस्तों ये घर के लिए बहुत शुभ होती है अपराजिता, ज़रूर लगाएं इसको। आप चाय में या गर्म पानी में डालकर पी सकते हैं, इसमें सेहत के लिए बहुत सारे गुण होते हैं। आप, ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छी चीज़ों को
खाने के लिए या इस तरह से पीने के लिए आपका बीमार होना ज़रूरी है। आप बिना बीमार के भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि बीमार हों तभी आप इनको इस्तेमाल करेंगे। ये दोस्तों जेड प्लांट है, जो बहुत लकी प्लांट होता है और एक छोटे से इतने बड़े से कलम से भी ये आसानी से उग जाता है। ये तो जानते ही हैं मास्टर भाजी। और अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारी सब्जियां जो है खूब फ्रूटिंग करना शुरू कर दिए। जो बारिश का पानी है पौधों के लिए दोस्तों अमृत के समान होता है, और ये ऐसे फल फ्रूटिंग कर रहे हैं ना, ये देखिए चार चार पांच पांच एक ही जगह मैं आपको दिखा रही। दिख जाओ रे, इतने नखरे भी अच्छे नहीं हैं। दिखे क्या दोस्तों पत्ते में? दिखे तो चार चार पांच पांच एक एक जगह ये फ्रूटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये आराम से काम है, आराम का काम है तोड़ना, क्योंकि इनकी इनकी डालों को बगैर नुकसान पहुंचाए हमको तोड़ना है, क्योंकि हड़बड़ी में हम इनके डालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना दोस्तों। तो इनमें भी तो जान है ना, तो अगर हम इनको मरोड़ देंगे तो फिर ये नुकसान होगा ना इनको। देखो इतने करेले फले हुए हैं कि गजबई करे हैं ये। तो दोस्तों अभी मार्केट में सब्जियां आप जा रहे हैं लेने? हम तो नहीं जा रहे दोस्तों, हम कभी नहीं जाते। हम काहे को बोले झूठ आपसे। ये देखिए हमारी मिर्चियों के पौधे हैं दोस्तों। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ मुझे उगाना है, क्योंकि ये तैयार हो चुकी हैं, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। मुझे एक फ्रूट कंटेनर को इस तरह से थोड़ा बड़ा है उसको खाली करना होगा, और उसमें मिट्टी और थोड़े सूखे पत्ते भरकर उसमें उगाना होगा। ये भी दोस्तों हमारे एडेनियम का ही पॉट है, बहुत अच्छे उग रहे हैं। देखिए और मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों सूखे पत्ते भी, अब सूखे तो नहीं, गीले ही हैं, कोई बात नहीं, तो हमने रखे हुए हैं, लेकिन बस टाइम नहीं मिल रहा कि हम उसको उगा दें, क्योंकि मिर्चियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं आप देखिए ना। ये हमने पौध तैयार करी है, नर्सरी तैयार करी है, बहुत ही अच्छी लग रही हैं दोस्तों। ये बैगन आपने अगर देखा होगा तो मतलब इसको बचाना मुश्किल हो रहा था, मर जा रहे थे, कई मरे भी, कट किया हमने। ये भाजियां हैं, इनको हम ले लेंगे, लेकिन अब देखिए कितना सुंदर ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। ये देखिए इसके फलों को, और प्योर ऑर्गेनिक। ये हमने मिर्चियाँ उगाई हैं, अभी उगाया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। और दोस्तों इसमें हमने उगाया है एडेनियम, लेकिन लाल भाजी तो ऐसे लग रही है कि जैसे हमने उगाई है, लेकिन दोस्तों हमने लाल भाजी इसमें नहीं उगाई है, ये अपने आप हुई हैं। और इसमें भी देखिए कितने सुंदर एडेनियम, बहुत ही अच्छे उगे हैं। और एक जगह और ले चलती हूँ आपको, और आज तो हमारा परचुलाका ऐसे लग रहा है कि बम फोड़ेगा। दोस्तों इसको बहुत ही अनुकूल वातावरण मिला है, यानी एकदम फ्रंट पे रखा हुआ है, इधर से होता है सूर्योदय और इधर से होता है सूर्यास्त। तो यानी सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक इसको धूप मिलती है। तो आज तो अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको दिखाने आऊँगी कि कितने सारे आज इसमें कलियाँ लगी हुई हैं, और ये सब की सब खिलेंगी, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एडेनियम, जिसको हमने कलम से तैयार किया है। बीच बीच में इसकी घास को निकालना पड़ेगा ताकि ये पौधों को दबाए ना, हमारे एडेनियम को दबाए ना। और ये दोस्तों मैं आपको दिखा रही, टमाटर का नर्सरी तैयार हो गया है। ये जो है ना टमाटर की नर्सरी है, तो मैं इसको हटाऊंगी नहीं, बाद में मैं इसको ले लूंगी। तो वाव दोस्तों, मैं तो खुशी अब भी खुश हो रही हूँ इनको देखकर। मेरे को मौका मिला तो इनको मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि आज किस खुशी में इतना ये झूम रहे हैं। हो सकता है इसी वीडियो में ऐड करूँ, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आए। इसमें हमने लगाया है सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर आते हैं और आपकी बेल वर्गीय सब्जियों में फल लगते हैं, क्योंकि वो पॉलिनेशन जब होगा तभी पॉलिनेट होंगे, तभी उनमें फल लगेगा। तो दोस्तों मैं दिखाना ये चाह रही हूँ कि बैगन की नर्सरी अपने आप तैयार हुई है। बैगन को काट के हमने सुखाने के लिए रखा था, तो कुछ हमने इसी में फेंक दिया था, कुछ गार्बेज, तो ये एक इसमें रह गया। तो देखिए कितना उगा है, तो ये हमारे काम आ जाएगा। इधर भी एक पड़ा हुआ है ऐसे, लेकिन उसमें अभी अंकुरण नहीं हुआ है। तो इसमें हमने लगाया है एक्चुअली सनफ्लावर। एक पौधा और उगा है, ये है बैगन का। तो इस तरह से दोस्तों मुझे ढेर सारे पौधे जो है मिल जाते हैं अपने आप, क्योंकि हमारे जो हमारी जो मिट्टी है इसमें सीड्स
आते रहते हैं। दोस्तों इसको भी मेरे को हटाना है, हटाना मीन्स मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इसका भी मैं कलर दिखा रही हूँ। वाह ये देखिए कहाँ गया, कितना सुंदर, दो फूलों को हमने तोड़ा है। मैं ब्लैक टी में डाल दूंगी इनको, देखिए वाह कितने सुंदर है ना। जब मेरा डबल पेटल खिलेगा तब दिखाऊंगी आपको। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आपके मन में जो जो है अभी कर डालिए, गार्डनिंग में जो जो आपकी इच्छा है अभी कर डालिए बिना संकोच का। आपके पास अभी टाइम है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है, बस अपनी क्षमता को पहचानिए, थोड़ा बिस्तर छोड़िए, उठिए और करिए, है कि नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा दें। दोस्तों आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं नाराज हैं या नहीं मालूम मेरे को, कारण जो भी हो सकता है, या हो सकता है मेरी वीडियो ना अच्छी लग रही हो। तो दोस्तों वीडियो तो ऐसी ही बनेंगी, मैं कोई झूठ और फरेब लाइक कमेंट्स या सब्सक्राइब के लिए नहीं कर सकती। बहुत सच्ची और सरल इंसान हूँ, जो मतलब बोलते हैं ना कि लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, लेकिन मैं जो बाहर से हूँ वही अंदर से भी हूँ। मुझे ना तो मैं दो मुँहें हूँ और ना ही दो मुँहें लोग पसंद आते हैं, शायद इसीलिए मैं जीवन में अकेली रह गई। अकेले मीन्स दोस्तों के मामले में मेरे पास ना तो कभी कोई सहेली रही और ना ही कोई दोस्त रहे, क्योंकि मैं जब मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा गलत, तो फिर मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। हाँ मेरी एक सहेली है, दोस्त है, अभी थोड़ा सा मैं उससे गुस्सा हूँ। दोस्तों आज तो परसुला का पता नहीं कौन सी खुशी में गुलदस्ता बनने को तैयार है। देखिए अब मतलब जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम हो रहा है ना, 9 o'clock फूल भी इसको बोलते हैं ना, फ्लावर 9 o'clock फ्लावर, और परसुला का भी बोलते हैं। तो आज देखिए ना कितने सारे खिलने वाले हैं, तो मतलब कि 10-20 मिनट बाद ये सब खिल जाएंगे। कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूँ, अगर आ सकी ऊपर तो मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं आज इसका वीडियो साथ में अपलोड करूंगी। वाओ ये तो गुलदस्ता बना हुआ है, देखिए तो कितने खूबसूरत। तो चलिए नीचे दिखाती हूँ कितने खिले हुए हैं अभी तो आपका। दोस्तों ये है अमरूद का पौधा, अब भी हमने इसको उगाया था, इसमें कुछ अमरूद लगे थे जब हम लेकर आए थे इसको। इसी में दोस्तों हमने बैगन के सीड्स डाले हैं, ये देखिए सूखे हुए बैगन को हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए हम क्योंकि घर से ही जो हम सीड्स बनाते हैं ना उसी को ही हम उगा देते हैं, तो इसमें नीचे जगह है तो हम अलग से मिट्टी क्यों बनाएं। चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कि कहाँ कैसे क्या कब कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको सीड्स को डाल दीजिए और डाल के ऐसे चला दीजिए। सुगंधा जी ने कहा मुझे कुछ दे दीजिएगा पौधे, तो देखती हूँ अगर ये तैयार हो जाएगा तो इन्हीं में से दे दूंगी, क्योंकि मैंने बैगन के ज़्यादा पौधे नहीं तैयार करे हैं, क्योंकि बैगन बहुत फलता है जब फलता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ बड़ी अच्छी चीज़, ये देखिए हमारा अमरूद हो मतलब इतना पक चुका था कि ये टूट गया। वाओ सच में बहुत खुशबू है। तो दोस्तों जब हम इसको लेकर आए थे ना पौधे को, तो इस तरह से इसमें ये लगा हुआ था अमरूद, ग्राफ्टेड है ये, हमने इसको बड़े बड़े गमलों में लगाया है देखिए। और बाकी हमारी ये तो कलम तैयार हो रहे हैं, ये हमारा चंपा है दोस्तों, बहुत आसानी से आप चंपा को तैयार कर सकते हैं। इसमें कई कलर हैं और कई डबल पेटल सिंगल पेटल इस तरह से चंपा के भी फूल होते हैं। बाकी ये हमारे सब पौधे तैयार हो रहे हैं और पीछे भी ढेर सारे तैयार हो रहे हैं। बस दोस्तों मैं आपको ये दिखाने के लिए आई थी और मैं दिखाने लगी क्या, तो चलिए चलते हैं हम बैठ के खाएं आराम से अमरूद, है कि नहीं। दोस्तों आज हम साफ कर रहे हैं कोदो, जानते होंगे आप ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी इसकी सफाई होगी तो ये चमक जाएगा, तो ये शुगर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लोग इसको खोजते हैं और ये महंगा मिलता है। तो पिछले साल हमने थोड़ा सा अपने खेतों में लगवाया था। पहले तो हमारे यहाँ हमारे ससुर जी जो है ना इसको बहुत उगवाते थे, मतलब ये 500 खाड़ी होता है उधर, तो रखा रहता था, बड़े बड़े कोठी रहती थी उसमें रखते थे, और ये जब अकाल उकाल पड़ता था तो बहुत काम आता था,
मतलब कि लोगों को देते भी थे और इस्तेमाल का तो हमको नहीं पता क्योंकि हम बहुत छोटे थे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये लेकिन ना पहले इसको बोलते थे ना कि अच्छा नहीं बोलते थे, लेकिन आजकल ये खोजे नहीं मिलता है। शुगर वाले तो जो राइस नहीं खा सकते इसको खा सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर नहीं होता है। तो ये हमारे घर का है, इसको हम ऐसे हवा दिखा के उड़ा रहे हैं, चक्की से कुटवाए हैं लेकिन इसको अब हवा से ऐसे कर करके इसको साफ कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमको और आप हमारी वीडियो को देख भी रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं। तो दोस्तों ये है परचुलाकर जो गुलदस्ता बना हुआ है, इसको भी आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। कितने सुंदर सुंदर इसमें कलर हैं ढेर सारे। तो ये इसकी परचुलाकर की टोपियारी है, इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। तो आप अगर हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी और आप भी मोटिवेट होंगे इस तरह के पौधे उगाने के लिए और वेजिटेबल उगाने के लिए। तो अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ आते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे, ढेर सारे जहर से बचेंगे। जो जहर वाली सब्जियां, केमिकल वाली सब्जियां, रासायनिक वाली सब्जियां जो धीरे धीरे हमारे अंदर जहर ला रही हैं, उन चीज़ों से हम बचेंगे अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप इस तरह से उगाते हैं सब्जियां तो आपकी इतनी सुंदर सुंदर सब्जियां मिलेंगी खाने के लिए, वो भी प्योर ऑर्गेनिक। तो आप इसीलिए तो आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।